नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन एक बार फिर से हमें देखने को मिला बेरी से सटे हुए गांव बागपुर में और अश्वनी सर के घर पे। अश्वनी सर, आप यहां पे देख सकते हैं कि युवा पशुपालक, फिर से एक अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन जो है इनके यहां पे देखने को मिला, उसी को कवर करने के लिए हम आए हैं। मैं मिलवाता हूं आपको अश्वनी सर से। तो नमस्कार अश्वनी सर। नमस्कार भाई संदीप, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, आप हमारे घर पे आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई साहब। कितने पशु लेके आए हो? नहीं भाई साहब, ये तीन है अपने पास। तीन पशु आप नहीं लेके आए? तो अश्वनी सर एक बार इसकी डिटेल्स आप बताइए मुझे। भाई साहब ये पहले बैच की होती है जी, आज ये एक महीने की बैच होगी है जी, और इसके नीचे 11 लीटर दूध है। 11 लीटर दूध फिलहाल तैयार है। बच्चा है नहीं भाई साहब इसका, बच्चा इसका मर गया था 5 दिन का जी। रही दूसरी बात, आप इसके सबसे अच्छा ये बता रहा हूँ मैं आपको जी, आग डालो कोई भी दूध निकालो जी, ठीक है वो शरीर। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर झोटी, और बता रहे हैं एक महीने की ब्याई हुई है, बच्चा फिलहाल है नहीं, बता रहे हैं 5 दिन का जब बच्चा था तो एक्सपायर हो गया था किसी कारणवश। और अभी मौके पे सर कितना, 11 लीटर दूध मौके पे तैयार है, बता रहे हैं जो है चारा डालते हैं और दूध निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एक बार कवर करके दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल एक जो हाइट लेंथ है बिल्कुल नॉर्मल हाइट लेंथ, और सिंगों का जरूर यहाँ पे नुकसान है, बाकी माथे में किसी तरह का कोई टीका वगैरह कुछ नहीं। और अड्र की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर झोटी, और उसके नीचे इतना अच्छा खासा अड्र जो देखने को मिला, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। और सर ने बताया 11 लीटर दूध मौके पे तैयार है, कोई भी भाई आए, फुल गारंटी है सर दूध की? फुल गारंटी है, बिल्कुल नरम चुवाई जी, नरम चुवाई का पशुधन है, और 11 लीटर दूध मौके पे तैयार। बात करूं अगर मैं आगे से, अगर इसका अड्र कवर करके दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं काफी शानदार टीट स्पेसिंग और एक हाइट लेंथ, नॉर्मल हाइट लेंथ का मुर्रा पशुधन। तो सर क्या करेंगे, सेल करेंगे इसको? अगर पैसे अच्छे लगे तो मैं दे दूंगा। तो रेट हमारे पशुपालक भाइयों को 95,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। तो फिक्स प्राइस है या थोड़ा बहुत कम? फिक्स प्राइस है जी। तो ये पशुधन जो है इसकी कॉस्ट रखी है मात्र 95,000 रुपए की फर्स्ट टाइमर झोटी, जिसके नीचे 11 लीटर दूध जी, जो भी लेने वाला हो, दो टाइम दूध देखे, तीन टाइम देखे, चार टाइम देखे जी, अपने हाथ से बाखर डालो जी 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 जी, कोई भी निकल, ठीक है। तो एक और पशुधन सर के यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, अश्विनी सर इसकी डिटेल्स और आप बताइए। भाई साहब ये आज 11 दिन की ब्याई हुई है जी, 14 लीटर दूध इसके नीचे तैयार है। 14 लीटर दूध तैयार है, और लैक्टेशन कौन सी है? थर्ड लैक्टेशन। तो ये आप देख सकते हैं एक और भारी भरकम मुर्रा का पशुधन सर के फार्म से ही, बता रहे हैं कि 11 दिन की ब्याई हुई है, 14 लीटर दूध मौके पे तैयार है। नीचे काफ क्या है? मेल काफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी हशपुश ब्लैक है। और एक प्योर जो मुर्रा के कैरेक्टर होने चाहिए वो इस मेल काफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक भी सफेद बाल नहीं टेल में, बिल्कुल आगे मत और कोई भी नहीं है। तो HLDB का सीमन था, HLDB सीमन था, ये आप देख सकते हैं मेल काफ मौके पे मौजूद। और मुर्रा का अगर पशुधन मैं आपको कवर करके दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं, एक जो प्योर मुर्रा के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इनके इस पशुधन में है। हाइट लेंथ काफी अच्छी और शक्ल सूरत काफी अच्छी, पूरे लांड पांड के साथ। और अगर मैं अड्र इसका कवर करके आपको दिखाना चाहूं तो ये अड्र आप देख सकते हैं, काफी भारी भरकम लेवटी, जो थनों का गैप है काफी शानदार गैप यहाँ पे देखने को मिला। और सर ने बताया मात्र 11 दिन की ब्याई के नीचे 14 लीटर दूध तैयार है जी, बिल्कुल बारीक चमड़ी जी, बिल्कुल बूल वाले जो पुट्ठा। तो सर मैं एक बार चाहूंगा इसको खोल के एक बार चला के दिखाएं, ताकि जो इसका जो हाव भाव, इसका जो चाल चलन है उसके द्वारा हमारे पशुपालक भाइयों को हम बताएं, क्योंकि चाल चलन से पशु की काफी सारी चीजें देखने में आती हैं, किस तरह का पशुधन है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। बाकी अगर मैं अड्र आपको दिखाना चाहूं, ये आप अड्र देख सकते हैं, आगे नाभि से लेके पीछे मूत्र मार्ग तक का जो अड्र यहाँ पे देखने को मिला वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ।
ये वीडियो है गांव बागपुर से, अश्वनी सर के घर से, एक आम पशुपालक मैं इनको कहूंगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ समय पहले इनकी वीडियो भी आई थी, 2,25,000 रुपए का इनका मुर्रा पशुधन वीडियो के माध्यम से बिका था। तो ये आप देख सकते हैं, काफी भारी भरकम मुर्रा का पशुधन। हाइट लेंथ आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाइट लेंथ आप देख सकते हैं, हाव भाव आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी शांत स्वभाव का मुर्रा पशुधन। और ये आप देख सकते हैं एकदम चौड़े पुट्ठे, हाइट लेंथ काफी अच्छी। और अडर की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये आप अडर देख सकते हैं, काफी जोशीला बीच का अडर। और ये थन देख सकते हैं, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, एक मीडियम साइज के थन यहाँ पे देखने को मिले, ये आप देख सकते हैं। तो ये पशुधन अश्वनी सर के फार्म से मैं आपको दिखा रहा हूं। सर ने बताया तीसरे मैथ का मुर्रा पशुधन है ये, और 11 दिन की ब्याई हुई है। नीचे मेल काफ मैंने आपको दिखाया, HLDB का सीमन जो इन्होंने यूज किया था। तो अश्वनी सर, इसकी ये बिक्री के लिए उपलब्ध है ये भी? हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। तो रेट आप बताना चाहेंगे इसका? इसका है कि फिक्स प्राइस है भाई साहब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए इसका जो कॉस्ट है वो आपने रखी? हाँ, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए जी। इससे कोई वो ये नहीं सोचे बाहर के भाई कि कुछ कम कर देंगे जी, इसका फिक्स प्राइस। चुवाई कैसी है? चुवाई बिल्कुल भाई साहब नरम है, नरम चुवाई, बिल्कुल नरम चुवाई, बहुत ही अच्छी चुवाई है जी। तो एकदम नरम चुवाई का, और सर ने जो कॉस्ट रखी है 1.5 लाख रुपए कॉस्ट रखी है। ये देख सकते हैं आप, प्योर मुर्रा के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इनके पशुधन में हैं। सींग जरूर थोड़े से यहाँ पे खुले हुए हैं, बाकी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एकदम भारी भरकम शरीर और एक अच्छा खासा लांडपन यहाँ पे देखने को मिला जी। बिल्कुल कोई भी दूध निकले, बहुत ही स्लिम है। कोई भी सर बता रहे हैं अपना 2 से 3 टाइम की फुल चुवाई यहाँ पे करके ले, क्योंकि मैं अपने पशुपालक भाइयों को वीडियो के माध्यम से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो है मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दूध चाहे 2 बार चेक करे, 3 बार चेक करे, अच्छी जब आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए उसके बाद ही जो है अपना जो फैसला है पशुधन के प्रति ले, क्योंकि आजकल थोड़ा सा झूठ का जो चाल चलन जो मार्केट में चला हुआ है, काफी सारे पशुपालक भाई हमारे धोखा खा जाते हैं। लेकिन अश्वनी सर के यहाँ पे इस तरह का अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, जितने भी पशुधन इन्होंने दिए सारे साफ सुथरे पशुधन। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जैसे आपके मेरे पहले भैंस जो 2.25 लाख की बिकी थी जी जी जी, आपके वीडियो के माध्यम से वो लोग हमारे पास आए। बिल्कुल सर, उन्होंने 4 टाइम दूध देखा, जितना हमने दिखाया था उससे मतलब हमारा बैटरी दूध निकला है। तो अभी उनका कोई कॉल वगैरह आया हो? कॉल आते हैं, दूध ऊपर गई हुई है, जितनी आपने सच्चाई बताई थी उतना है खरा दूध। वो भैंस 22 लीटर दूध पे चल रही है, 22 पे है, हमने 19 लीटर दूध पे दी थी जी जी। जो आप आपने वीडियो लाइव मिल्किंग दिखाया था जी, उस टाइम 19.5 इतना 18-19 के करीबन था जी। तो उनके जाने के बाद वहाँ पर 22 लीटर दूध वहाँ पे जी 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 वे उनके दे रही है जी। और अगर आपको मेरी इस चीज का विश्वास नहीं है, हम आपको वो आपका उनके घर पे विजिट करना जी जी, और जी। भैंस के जाके आप लाइव मिल्किंग देखना जी सर, बिल्कुल। वो यहाँ से जाने के बाद वो भैंस 22-23 दिन की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। अच्छा, उसको जो है AI सीमन रखवाया है या डायरेक्ट? AI का सीमन रखवाया भाई साहब, AI कराई है उसकी जी। तो ये आप देख सकते हैं एक मुर्रा पशुधन ये था। और सर एक बार उसकी डिटेल्स और आप बता दीजिए, क्या कुछ विशेषताएं हैं आपके पशुधन की? अभी 20 दिन इसके बाकी है जी, तो अभी बच्चा देने में 20 दिन बाकी है जी। थर्ड टाइमर मुर्रा का पशुधन एक और अश्वनी सर के यहाँ से। और ये देख सकते हैं एक बुल के जितना भारी भरकम शरीर का मुर्रा पशुधन। कितना टाइम अभी बचा देने में? भाई साहब इसके पूरे 20 दिन बचे हैं अभी। 20 दिन बचे हुए हैं, तो जब पीक टाइम पे आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? भाई साहब इसकी तो मैं क्या बताऊं, 24-25 से ऊपर ही उम्मीद कर रहे हैं। 24-25 से ऊपर जी। तो जहां से लेके आए हैं उन्होंने कोई कोई डिटेल्स पिछले ब्यांत की? 21 लीटर दूध दे रखे है दूसरे ब्यांत की ने जी जी। अभी थर्ड मेरे पास आई है जी, वहां से खूब मैंने देखा हुआ पहले देखी हुई थी जी जी, तभी इसके लेके आया हूँ जी। तो ये देख सकते हैं एक और अच्छा खासा मुर्रा का पशुधन, काफी भारी भरकम शरीर में। और सर बता रहे हैं अभी 20 से 25 दिन जो है बच्चा देने में आराम से हैं। तो क्या कोई सीमन वगैरह रखवाए हुए सर या डायरेक्ट क्रॉस कराई? जिससे मैं लेके आया हूँ जी, उन्होंने ये बताया था कि भाई गांव में उनके पंचायती बुल है जी जी, बहुत ही अच्छा बुल है वो, अभी मतलब HLDB का बुल है जी, उससे हुई है प्रेग्नेंट जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो अश्वनी सर ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है? है भाई साहब बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेट इसका बताना चाहेंगे? तक मेरी उम्मीद है मैं इसको ब्याने के बाद ही दूंगा, ब्याने के बाद देंगे तैयार करके जी। तो अभी मतलब देने का कोई विचार नहीं है? इसका प्राइस उस टाइम मौके पे होगा, मौके पे। तो ये आप देख सकते हैं सर ने जो है इसकी कॉस्ट मौके की रखी है। जो भी पशुपालक भाई हमारे यहाँ से
सर का जो भी इच्छुक बायर पशुधन लेना चाहे वो डायरेक्ट अश्वनी सर से संपर्क कर सकते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए भाई। मेरा नंबर 97284768 97284768 ये इनका जो है संपर्क नंबर है। और एक बार अपना एड्रेस और बताइए ताकि जो हमारे पशुपालक भाई हैं। विलेज बागपुर जी, जिला झज्जर हरियाणा। विलेज बागपुर, जिला झज्जर हरियाणा। झज्जर जिले में काफी अच्छे खासे मुर्रा के जो पशुधन जो नायाब नगीने दिन प्रतिदिन जो निकल के आ रहे हैं, एक से बढ़के काफी अच्छे मुर्रा झोटियां कवर डे बाय डे हम कर रहे हैं। तो आशा करेंगे आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। जी भाई संदीप, आपको जो आदमी लेने वाला है ना, जी जी, वही आदमी हमारे पास फोन करे जी, फालतू आदमी फोन ना करे। और जो प्राइस हमारे को बताया है, हमने बताया आपको, उसी प्राइस में हम बेच देंगे। फिक्स प्राइस है ये, फिक्स प्राइस है, कोई मतलब गुंजाइश नहीं है किसी का, कोई जी जी जी। क्योंकि मैं अपने पशुपालक भाइयों को एक बात और बता देना चाहता हूं, जो इस महीने में जो पशुधन है, जो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या आने वाले समय में बच्चे को जन्म देगी, उसमें जो उनकी जो कीमतें हैं थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिलेगा। इसका एक कारण है क्योंकि ये पशुधन ऐसा है जो पूरी गर्मियां आराम से दूध देगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ने बताया जो इनका जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस है, और आशा करूंगा मेरी ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरे नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।